हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर बाइनरी में दिया हुआ है उसको हम लोग डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग सिर्फ दो ही डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1, और 0 और 1 के हेल्प से हम लोग इस नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस या रेडिक्स 2 होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग दो डिजिट्स 0 और 1 के हेल्प से सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन देखेंगे कि किस तरह से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल। ये जो नंबर दिया हुआ है 10101, ये बाइनरी में है और इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल। तो कोई भी नंबर बाइनरी में है ये हम लोग कैसे जानेंगे? तो उसके साथ हम लोग उसका बेस लगाते हैं। हम लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, तो यहाँ 10101 के साथ बेस 2 लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो 10101 है ये बाइनरी नंबर है, मतलब ये जो नंबर है ये बाइनरी सिस्टम में है और इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो किसी भी बाइनरी नंबर को जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग उस बाइनरी नंबर को इस तरह से अलग अलग करके लिख देते हैं। तो हमने इसे लिख दिया 10101 और फिर हर एक डिजिट के ऊपर उसका हम लोग पोजिशन वेट लिखते हैं। पोजिशन वेट का मतलब हो गया कि उस नंबर सिस्टम का जो भी बेस होता है उसका पावर। तो जैसे ये जो पहला डिजिट है 1, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 डिजिट है, तो इसका जो पोजीशन वेट होगा 2 के ऊपर 4 पावर लगेगा, क्योंकि इस 1 के बाद 4 डिजिट है। उसी तरह से ये जो 0 है इसके बाद 3 डिजिट है, तो 2 to the power 3 हो गया इसका पोजीशन वेट। उसी तरह से ये जो 1 है इसके बाद 2 डिजिट है, तो इसका पोजीशन वेट हो जाएगा 2 to the power 2। इस 0 के पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 2 का पावर 1 इसका हो जाएगा पोजीशन वेट। और ये जो लास्ट वाला 1 है इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए इसका जो पोजीशन वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 to the power 0, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। सबका पोजीशन वेट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक डिजिट को उसके पोजीशन वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हर एक टर्म को फिर ऐड कर देंगे। तो वो आ जाएगा मेरा इस तरह से 1 into 2 to the power 4 प्लस 0 into 2 to the power 3 प्लस 1 into 2 to the power 2 प्लस 0 into 2 to the power 1 प्लस 1 into 2 to the power 0। और फिर हम लोग सबको इस तरह से मल्टीप्लाई करके सबका जब वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू आता है 21। इसका मतलब हो गया कि जब भी हम लोग ये बाइनरी नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 21। और कैसे जानेंगे कि ये डेसिमल में है? तो इसके साथ इसका बेस लगा देंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, इसलिए यहाँ 10 लगा दिए। इसका मतलब ये जो मेरा आंसर निकला है ये डेसिमल में है, यानी कि ये जो 10101 बाइनरी में जो नंबर है उसको जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो उसका वैल्यू आएगा 21। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से फिर इसको समझेंगे। तो हम लोग ये एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर बी में एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 10100011, इसको डेसिमल में बदलना है। फिर वही तरीका हम लोग अपनाएंगे जो हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जिस तरह से निकाला है, तो उस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी डिजिट है सबको उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा डेसिमल में। तो सारे नंबर्स का हम लोग पोजीशन वेट यहाँ लिखे हैं, उस बाइनरी नंबर को हम लोग इस तरह से लिख दिए अलग अलग करके। वही जो ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर दिया हुआ है, इसी को हमने यहाँ लिख दिया है और सबके ऊपर उसका पोजीशन वेट लिख देंगे। ये पहला वाला 1 के बाद कितना डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसलिए 2 का पावर 7 हो जाएगा। ये जो 0 है इसके बाद डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस 0 का पावर 6 होगा,
इस तरह से हम लोग सारे डिजिट्स का पोजीशन वेट लिख लिए हैं और सबको हर एक डिजिट के साथ उसके पोजीशन वेट को मल्टीप्लाई करके सबको जब ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 163। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नंबर बाइनरी में है 101 0011, वो जब हम लोग उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे उसका वैल्यू आ जाएगा 163। तो यहाँ पर हम लोग दिखाने के लिए कि ये नंबर बाइनरी में है इसका बेस यहाँ 2 लिख रहे हैं और ये डेसिमल में नंबर है इसलिए इसका बेस यहाँ 10 लिख रहे हैं। तो ये बेस लिखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी नंबर के साथ, जो कि बताएगा कि ये जो नंबर है ये किस नंबर सिस्टम का नंबर है। तो ये 2 बता रहा है कि ये बाइनरी नंबर है और ये 10 बता रहा है कि ये डेसिमल नंबर है। उसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से कोई भी फ्रैक्शन पार्ट वाला अगर बाइनरी नंबर है तो उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। तो जैसा कि एग्जांपल सी में हम लोग एक बाइनरी नंबर लिए हैं जो है 11011.101। इसका बेस 2 है, इसका मतलब ये नंबर जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है, इसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस नंबर को हम लोग इस तरह से लिख देंगे, सेपरेटली लिख दिए हैं सारे डिजिट्स को, फिर सबका पोजीशन वेट लिख देंगे। तो यहाँ तक तो 2 to the power 0 हो गया इसका, उसके बाद माइनस में आएगा पावर, तो ये जो बाइनरी पॉइंट है उसके बाद जो डिजिट है इसका पावर हो जाएगा 2 का -1, फिर उसके बाद वाला डिजिट का पावर हो जाएगा -2, उसके बाद वाला का डिजिट का पावर हो जाएगा -3। तो पोजीशन वेट के साथ सबको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सबका जब मल्टीप्लाई करके जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 27.625 और ये डेसिमल में वैल्यू निकला है इसलिए इसके यहाँ बेस लगा देंगे 10। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बाइनरी नंबर का, चाहे वो विद फ्रैक्शन हो या विदाउट फ्रैक्शन, उसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं इन डेसिमल। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अगर हमको किसी भी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो हमको हर एक बाइनरी डिजिट को मल्टीप्लाई करना है उसके पोजीशन वेट से, फिर सारे टर्म्स को ऐड कर देना है और जो भी आंसर आएगा वो उसका वैल्यू देगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। होप ये सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से।